विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 प्लस 2 मैथ्स। हरियाणा बोर्ड द्वारा जो मैथ्स का सैंपल पेपर जारी किया गया है उसका जो पार्ट सेकंड है, पार्ट टू है, जो जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अगर पूरे पेपर की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है आपके अच्छे मार्क्स लाने में बेहद बड़ा योगदान वो दे सकते हैं, क्योंकि 40 मार्क्स के 80 में से 40 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने हैं। इसमें एमसीक्यूज हैं, इसमें वन वर्ड है, इसमें ब्लैंक्स हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है कि आपका जो एग्जाम टाइम है वो दोपहर 12:30 से 3 बजे तक का है, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपका एग्जाम है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर है वो आपको परीक्षा खत्म होने से 1 घंटा पहले, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो पेपर है वो आपको 2 बजे मिलेगा। यानी कि इन 40 क्वेश्चन को करने के लिए, सोल्व करने के लिए आपके पास 1 घंटे का समय होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप ये क्वेश्चन करें, इनको जब सोल्व करें, तो आपको टाइम का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो आपके पास समय की जो शॉर्टेज हो जाए। तो आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना बढ़िया रहेगा। आप प्रैक्टिस सेट, किसी भी जो कंपनी के जो प्रैक्टिस सेट आते हैं उनको करें, उनकी अच्छी प्रैक्टिस करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि जो 40 क्वेश्चन है आप कितने टाइम में उनको सोल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हमारे जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन पेपर है, सारे ही वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो बहुत अच्छे से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। तो सोल्व करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशन आर, द रिलेशन ऑन आर, यहाँ पे रिलेशन की बात हो रही है, द रिलेशन ऑन आर। आर का मतलब यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स है, डिफाइंड एज आर। यहाँ पे ये आर किसके लिए है? रियल नंबर के लिए। ऐसा है, इसके अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। तो पूछा गया है कि जो ये रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव है, और नन ऑफ दीज है। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है मैं तो इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे, लेकिन आपको इसकी कैलकुलेशन माइंड में ही करके और फटाफट सोल्व करना है। अब देखो, बात अगर हम करें रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिलेशन आर इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ए ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यहां पे जो ये आर है, ए ए बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन के लिए है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर ये सेट के लिए है। कौन से सेट पे डिफाइंड था? ये सेट ऑफ रियल नंबर पे। तो ये रियल नंबर के लिए है, यहां पे ये आर किसके लिए है? रिलेशन के लिए है। अब ए ए कब बिलोंग करेंगे आर से? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मींस ए इज लेस देन इक्वल टू ए। ए ए से लेस नहीं होता, लेकिन ए ए से इक्वल तो होता है, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो आपको टाइम भी बचाना है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक यहां पे हम कहेंगे कि द रिलेशन आर इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, इंप्लाइज बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। अब आप देखो, बिल्कुल आसान सी सा समझे इसको, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बी से लेस है तो बी तो ए से ग्रेटर होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब आप देखिए, 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखो बिलोंग करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा, क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या 2 1 बिलोंग कर रहा है आर से? 2 1 बिलोंग्स टू आर इफ 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, जो कि गलत है, नॉट ट्रू, ऐसा तो नहीं है। 2 तो लेस नहीं होता 1 से, ना इक्वल होता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। मेरे बच्चों, अगर 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तब भी ऐसे ही होगा। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या कहते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर,
इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ये होना चाहिए। अब देखो अगर ए बिलोंग ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो इस कंडीशन के हिसाब से ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसको वन मान लो कंडीशन। बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब बी इज लेस देन इक्वल टू सी, इसको टू। वन और टू को अगर कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू सी। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी। अगर ए इज लेस देन इक्वल टू सी हुआ तो इट मीन्स ए सी बिलोंग्स टू आर, ये तो सेटिस्फाइड है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा जो रिलेशन हुआ वो रिफ्लेक्सिव भी हुआ और वो ट्रांजिटिव भी हुआ, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हुआ। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक करें, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एक बार फिर इसको बड़ा फास्ट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखो कंडीशन क्या है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, ए ए बिलोंग्स टू आर इफ ए इज लेस देन इक्वल टू ए। ए लेस तो नहीं होता लेकिन इक्वल होता है, बिल्कुल सही बात। सिमेट्रिक के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी बी ए बिलोंग्स टू आर, दोनों साइड से ए ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। अब इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी तो बी लेस देन ए नहीं होगा, क्योंकि बी तो ग्रेटर होगा ना। फिर अगर ए इज लेस देन इक्वल टू बी होगा तो बी तो ग्रेटर होगा ए से, एक केस ही हो सकता है इक्वल है लेकिन अदरवाइज तो बी ग्रेटर ही होगा, तो यहां पे फेल हो गया। अब थर्ड में ट्रांजिटिव के लिए ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव होता है। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, तो यहां से हम कह सकते हैं कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी। अगर ए सी से लेस हो गया तो इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया, तो ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है हमारे पास। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर पे है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स, देन एफ इज वन वन ऑन टू, मैनी वन ऑन टू, वन वन नॉट ऑन टू, नाइदर वन वन नॉट ऑन टू। मैं यहां पे आपको एक ट्रिक बता रहा हूं इस तरह के क्वेश्चन के, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहां पे अगर पावर आ जाए वन या फिर पावर आ जाए थ्री, तो ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा। यहां पे पावर वन है तो ये वन वन भी होगा और ऑन टू भी होगा, वन वन एंड ऑन टू। और यहां अगर पावर आ जाए टू फोर, तो ना ये वन वन होगा ना ये ऑन टू होगा, क्योंकि माइनस वन भी वन पे जाएगा, मान लो स्क्वेयर हो गया, एक्स स्क्वेयर आ गया, तो माइनस वन भी और प्लस वन भी, नेगेटिव वैल्यू रख लो या पॉजिटिव वैल्यू रख लो तो सेम पे जाएंगे। जबकि कोडोमेन के अंदर स्क्वेयर या पावर फोर से पॉजिटिव एलिमेंट पे ही जाएंगे सारे के सारे, नेगेटिव एलिमेंट खाली रह जाएंगे, उनकी कोई पर इमेज नहीं होगी। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी कि पावर वन पावर थ्री है तो वन वन और वन टू दोनों होगा, अगर पावर टू या पावर फोर है तो ना तो वन वन होगा ना वन टू होगा। इस तरह के चार तरह से ही आपके एग्जाम में आपकी बुक में ये क्वेश्चन आते हैं, इसको आप इस तरह से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए कहा है कि स्टार इज अ बाउंड्री ऑपरेशन ऑन एन, स्टार कोई बाउंड्री ऑपरेशन है एन नेचुरल नंबर पे, कैसे है कि ए स्टार बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूज द करेक्ट आंसर। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के लिए पूछा गया है। अब देखो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव के लिए होता है हमारे पास कि ए स्टार बी, अगर बी स्टार ए हो जाए तो कम्यूटेटिव होता है। अब आप देखें कि ए स्टार बी कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्टार ए कितना होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो एक ही बात है, इसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो ए स्टार बी हो गया, तो यस कम्यूटेटिव तो हो गया नहीं। अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव, एसोसिएटिव कब होता है, व्हेन ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। यहां पे ब्रैकेट हम यहां पे लगा देते हैं और यहां पे लगा देते हैं। अब देखो ए स्टार बी इसके हिसाब से क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और स्टार सी, ये सी है। अब यहां पे देखो ए स्टार, यहां पे क्या बनेगा, बी स्टार सी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये सारा ए है और ये सारा बी है, तो ए स्टार बी क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। यहां से ये सारा ए है और ये सारा बी है, तो ये ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका स्क्वायर।
अब यहां से देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए रेस टू पावर फोर प्लस बी रेस टू पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया और प्लस सी स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर प्लस बी रेस टू पावर फोर प्लस सी रेस टू पावर फोर प्लस टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आप चेक करें क्या ये इक्वल हो सकते हैं। देखो यहां तो ए रेस टू पावर फोर है, यहां ए स्क्वायर है, तो ये इक्वल हो ही नहीं सकते। और टर्म देखो यहां टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, यहां टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू। तो इसका मतलब ये नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है। ये कम्यूटेटिव तो है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो आप चेक करें फर्स्ट में एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, सेकंड में कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, तो बी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्यारे बच्चों ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की, बेहद इजी क्वेश्चन है। इसमें कहा है टेंजेंट इनवर्स वन प्लस कोस इनवर्स माइनस वन बाय टू इज इक्वल टू। अब देखो टेंजेंट इनवर्स वन ये होगा हमारे पास पाई बाय फोर प्लस, अब कोस इनवर्स के लिए माइनस है तो पाई में से माइनस करेंगे, पाई माइनस साइन इनवर्स कोसिकेंट इनवर्स और टेंजेंट इनवर्स, इसमें से माइनस बाहर ले लेंगे और बाकी के जो तीन रह गए उसमें से पाई में से माइनस करके हम आंसर निकालेंगे। अब देखो कोस इनवर्स वन बाय टू चेक कर ले, कोस वन बाय टू कहां पे होता है, कोस वन बाय टू होता है 60 डिग्री पे मीन्स पाई डिवाइड बाय 3 पे। अब इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 12, ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई प्लस ये 12 पाई माइनस यहां पे 12 से करेंगे तो ये 4 पाई, तो ये 15 माइनस 4 यानी कि 11 पाई डिवाइड बाय 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए में माइनस पाई डिवाइड बाय 12, बी में 7 पाई डिवाइड बाय 12, सी में 11 पाई डिवाइड बाय 12 और डी में 5 पाई डिवाइड बाय 12। तो सी में हमारे पास ऑप्शन मिल गया 11 पाई डिवाइड बाय 12, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर फाइव की अगर बात करें हम तो क्वेश्चन नंबर फाइव में कहा है कि साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मोड एक्स इज लेस देन वन तो इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू इनमें से किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है, कोस इनवर्स एक्स के इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स एक्स के इक्वल है, नन ऑफ दीज। हम क्या करते हैं इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको तो डायरेक्ट अपने दिमाग में ही कैलकुलेशन करेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। हम क्या करते हैं x को cos थीटा पुट कर देते हैं तो देखिए y क्या बन जाएगा, y हो जाएगा साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन इनवर्स वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ये साइन स्क्वायर थीटा और इसका रूट भी है तो यहां पे साइन थीटा रह गया, तो इट मींस साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होकर थीटा रह गया। अब थीटा की वैल्यू देखो यहां पे कोस थीटा x के बराबर है तो थीटा किसके बराबर होगा, कोस इनवर्स x के, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोस इनवर्स x, तो ये कोस इनवर्स x के इक्वल आ गया, तो बी ऑप्शन हमारा कोस इनवर्स x ही है, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कहा गया है कि इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×3, बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3×2, देन ए बी इज ऑफ ऑर्डर, ए बी का मतलब ए और बी की मल्टीप्लाई। अब देखो ए जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 2×3 है और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है जो वो 3×2 है। अब देखो ए क्रॉस बी या ए बी कह ले हम, ये डिफाइंड कब होगा, जब पहले वाले की कॉलम और दूसरे वाले की रो इक्वल हो, इक्वल है बिल्कुल सही बात है, और जो इसका ऑर्डर बनेगा तो जो बच गया यहां से रो और यहां से कॉलम, यहां से रो लिखेंगे 2 और यहां से कॉलम लिखेंगे 2, तो ये 2×2 ये नई मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। पहले तो ये देखना होता है कि डिफाइंड भी है कि नहीं मल्टीप्लीकेशन, ए क्रॉस बी डिफाइंड, इसके लिए फर्स्ट जो पहले लिखी हुई है उसकी कॉलम और सेकंड वाले की रो इक्वल होनी चाहिए, इक्वल है, अब इसकी रो फर्स्ट वाले की रो और सेकंड वाले की कॉलम, इससे हमें ऑर्डर मिलेगा यानी कि 2×2 इसका ऑर्डर है। तो चेक करें 2×2 हमारे पास फर्स्ट में ही है तो फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2×2। नेक्स्ट है हमारे पास
इफ ए एंड बी आर दी टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है ऑफ द सेम ऑर्डर, इनका ऑर्डर सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो ये तो सीधा ही आप प्रॉपर्टी आप इसको चेक, आपको चेक करना है कि ए बी इनवर्स दैट इज इक्वल टू बी बी इनवर्स ए इनवर्स, बिल्कुल सही बात है कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, यहाँ पे ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स, नहीं ये सही है तो ये सही नहीं हो सकता क्योंकि ए बी और बी ए ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में इक्वल नहीं होते हमेशा, तो यहां से ये है वैलिड। इसके बाद अगर हम बात करें ए प्लस बी इनवर्स, तो ये कह रहे हैं ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स, ये भी नहीं, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्लस जैसे प्लस के नहीं है इसी तरह से माइनस की भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट है ए ऑप्शन है वही इसका राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। मेरे बच्चों बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 8 की, इसमें दो डिटरमिनेंट इक्वल दिए हुए, डिटरमिनेंट एक्स सिक्स एट टू एक्स इज इक्वल टू सिक्स माइनस थ्री एट फोर, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ये बात ध्यान रखोगे कि यहां पे डिटरमिनेंट है तो नो मैट्रिसेस नहीं है, मैट्रिसेस होती तो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो जाते, लेकिन ये डिटरमिनेंट है तो दोनों के डिटरमिनेंट सोल्व कर लिया, देखो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टू एक्स स्क्वायर, जब इसकी करेंगे टू एक्स स्क्वायर माइनस 48, तो यहां पे लिख देते हैं टू एक्स स्क्वायर माइनस 48 दैट इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस 48, यहां से इसके इसके साथ 24 माइनस इसके इसके साथ माइनस 24, तो ये प्लस का 24 हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 48, टू एक्स स्क्वायर ये 48 इधर आगे प्लस के 48 48 और 48 96 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाय 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 48, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 16 इंटू 3, और 16 से हमारे पास आ जाएगा ये 4, प्लस माइनस भी लिख देंगे तो प्लस माइनस 4 रूट 3, तो यहां से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आती है वो आती है प्लस माइनस 4 रूट 3। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड में नहीं है, और फोर्थ में लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल, जबकि यहां ऐसा होना चाहिए था नन ऑफ दीज। तो अगर ये क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के लिए, अगर तो ये क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के लिए तो यहां होना चाहिए था नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा आंसर तो कितना आ रहा है प्लस माइनस 4 रूट 3। अब दूसरी बात कर लेते हैं, इन ऑप्शन के हिसाब से बात कर लेते हैं, तो अगर ये क्वेश्चन होता मैट्रिसेस के लिए, अब हम ये मान लेते हैं कि ये डिटरमिनेंट ना होके मैट्रिसेस है, टू मैट्रिसेस है जो आपस में इक्वल है, तो प्यारे बच्चों अगर टू मैट्रिसेस आपस में इक्वल हुई तो उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। अब देखो यहां से इसको इक्वेट करें, चलो ये तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, लेकिन 6 और माइनस 3 तो नहीं होता इक्वल, 6 और माइनस 3 तो इक्वल नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, 8 8 के इक्वल हो सकता है, और यहां से 2x इज इक्वल टू 4, तो यहां से सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 6 आएगा, और यहां से सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, दोनों में कॉमन कुछ आया ही नहीं, तो यहां से पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये मैट्रिसेस के लिए क्वेश्चन है तो यहां पे हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल, फिर हमारा आंसर होगा नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखना है आपको कि अगर ये डिटरमिनेंट के लिए है तो डिटरमिनेंट की तरह से करना है, और अगर ये मैट्रिसेस की तरह से के लिए है तो मैट्रिसेस के लिए इसको करना है। तो यहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अगर हम इसको डिटरमिनेंट के लिए माने तो हमारा आंसर आ रहा है एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट 3, जो कि कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। अगर हम मैट्रिसेस के लिए माने तो यहां पे मैट्रिसेस के लिए भी, यहां पे देखो x इज इक्वल टू 6, यहां या तो 6 हो या फिर यहां माइनस 3 हो, यहां 8 8 के इक्वल हो जाए, तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे एक जगह से x 6 आ जाएगा एक 2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हर हिसाब से क्वेश्चन थोड़ा सा उसने गलत दे दिया, लेकिन आप इसको ध्यान रखोगे, मैंने दोनों ही केसेस आपको बता दिए किस तरह से है। अगर मैट्रिसेस है जब हम x को सोल्व करें तो जहां से भी x की वैल्यू निकलती है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि एक जगह से दो वैल्यू आ गई और एक जगह से दो वैल्यू आ गई, तो उनमें जो कॉमन वैल्यू है उसके लिए ये सेटिस्फाइड होगी, वो वैल्यू होगी हमारे पास,
जो कॉमन नहीं है उनको छोड़ देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये मैट्रिसेस एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं हो सकती, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द फंक्शन एफ एक्स एक्स प्लस 3x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड 18x इज ग्रेटर देन 5 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन द वैल्यू ऑफ a इज। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, प्यारे बच्चों हमें बहुत शॉर्ट में इसको करना है क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना है हमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट इक्वल होगी और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल होगी। लेफ्ट लिमिट कहां से मिलेगी, जहां पे एक्स की वैल्यू 5 से लेस होगी। 5 से लेस के लिए फंक्शन हमारा कितना है, ए एक्स प्लस बी। फंक्शन हमारा कितना है, ए एक्स प्लस बी। इसमें एक्स की जगह पे 5 पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 5a+3। और राइट लिमिट कहां से, फंक्शन की वैल्यू कहां से मिलेगी राइट लिमिट के लिए, ग्रेटर देन 5 के लिए। तो ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन हमारा कितना है, 18। दोनों को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि क्या था कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स और फंक्शन की वैल्यू 5 पे सारे इक्वल है। अब एक्स टेंड्स टू 5 नेगेटिव यानी कि लेस देन 5 के लिए फंक्शन हमारा कितना है, ए एक्स प्लस 3। और ग्रेटर देन राइट हैंड लिमिट यानी कि ग्रेटर देन 5 के लिए फंक्शन हमारा कितना है, 18। बस इन दोनों को ही सोल्व कर लो। अब इसमें एक्स की जगह पे 5 पुट किया तो 5a+3 हो गया और ये लीनियर इसमें कहीं एक्स आया ही नहीं, तो 5a = 18 - 3 = 15 आ गया। a = 15/5 यानी कि 3 आ गया, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 3। तो आप चेक करें यहाँ 5 यहाँ 3, तो b में 3 है, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको बड़ा फास्ट करना है इस काम को। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे y दे रखा है log cos e^x dy/dx, तो यहाँ पे कर देते हैं शॉर्ट में बिल्कुल dy/dx। log के लिए 1/cos e^x, अब इसका करेंगे cos का होता है -sin e^x, अब करेंगे e^x का यही होता है। अब आप देखिए माइनस तो मैंने लिख दिया, आगे ये sin e^x है, ये cos e^x है। sin/cos कितना हो जाएगा, tangent e^x। एक तो ये हो गया और साथ में क्या लग गया, e^x या फिर -e^x। इस e^x को आगे ले सकते हो, tangent e^x ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखिए ए ऑप्शन में है secant तो है ही नहीं हमारे पास, secant हमारे आंसर में नहीं है। यहाँ पे -tangent e^x और e^x ये रहा हमारे पास, बिल्कुल सही है, तो ये सी हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व हमें गिवन है एट पॉइंट 3-2 पे स्लोप निकाल लिया। तो स्लोप टेंजेंट की स्लोप क्या होती है, डेरिवेटिव करके पॉइंट पुट करना है समय, तो dy/dx निकालना है इसका, बिल्कुल शॉर्ट में करना है फटाफट आपको। रूट के लिए क्या होता है, 1/2 रूट, जो भी टर्म लिखी हुई है रूट में वो लिख दो, 4x - 3 रूट के लिए 1/2, जो भी टर्म लिखी है वही लिख दो, और इसके अंदर का डेरिवेटिव 4x का 4 और -3 का 0, तो (4) और इसका -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहां से हमें मिल गया, इसके साथ ये कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि यह a मिल गया हमें 2/√4x - 3। अब हमें एट 3 2 dy/dx निकालना है, यही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगी। तो 2/√ एक्स की जगह पे 3 पुट करेंगे, वाई की जगह पे 2, वाई तो कहीं है ही नहीं है, 4 × 3 = 12 - 3 = 9 आ जाएगा, √9 3 होता है, तो ये 2/3, यही हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। और अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा होता तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हम कर देते, तो 2/3 फर्स्ट ऑप्शन में ही हमारे पास 2/3 है, तो ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। प्यारे बच्चों बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 12 की, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें इंटीग्रल फाइंड करना है tan−x/1+x² का। अब इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, इसको अगर हम आई मान लें तो हम पुट कर देते हैं कि tan−x = z, तो हमारे पास डेरिवेटिव करेंगे तो 1/1+x²
डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी जेड के। अब देखो हमारे पास आई क्या बन जाएगा, ये तो हमने जेड माना है और वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स के डी एक्स, ये सारा डी जेड बन गया, तो ये जेड डी जेड बन गया। और इसका हमें पता है कि ये पावर वन है तो पावर टू हो जाएगी, डिवाइड बाई टू प्लस सी आ जाएगा। अब देखो जेड की वैल्यू रिप्लेस कर दो, डिवाइड बाई टू को इसको ऐसे लिख दिया वन बाई टू आगे, जेड की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स एक्स और जेड स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और प्लस सी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो देखिए पहले में टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस सी नहीं, दूसरे में टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी वन बाय टू रह गया, इसमें वन बाय टू टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इससे भी ज्यादा इजी है। यहां पे अब देखो वन डिवाइड बाय वन सॉरी साइन इनवर्स एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, वन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। देखो वही है क्वेश्चन, जीरो टू वन डी एक्स डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, जीरो टू वन वन डिवाइड बाय रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स पीछे लगा दिया, यानी कि इसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स ओवर द लिमिट जीरो टू वन। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे साइन इनवर्स वन माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स जीरो, साइन इनवर्स वन यानी कि पाई बाय टू और साइन इनवर्स जीरो जीरो, तो यहां पे हमारे पास आ गया पाई डिवाइड बाय टू, तो पाई बाय टू हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में ही पाई बाय टू है, तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये हमारे पास एक कर्व की मैंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से अबव एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये देखो वन मार्क्स में क्वेश्चन है तो बहुत छोटा ही क्वेश्चन रहा होगा ना, तो इसके लिए हम देखो रहा ये हमारे पास वाई स्क्वायर है और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वाई स्क्वायर है और ये इज इक्वल टू एक्स है, इधर पॉजिटिव साइन है, तो इसका मतलब हमारे पास ये राइट हैंडेड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला विद वर्टेक्स, इसका जो वर्टेक्स है ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, फोर मार्क्स में भी आ सकता है, वर्टेक्स इसका जीरो जीरो है। अब देखो इसको रफ प्लॉट करते हैं बिल्कुल, अब आप इसको बिल्कुल रफ प्लॉट करोगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, आपको इसको समझना है, ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है। अब उसने कहा है कि ये कर्व होगी अबव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश और ये ओरिजिन, एक्स इज इक्वल टू जीरो ये एक्स इज इक्वल टू जीरो है, एक्स इज इक्वल टू वन यहां पे वन मान लेते हैं, ये वन है ये टू है, तो ये एक्स इज इक्वल टू वन हो गया, यहां पे हमने ये एक्स इज इक्वल टू वन मान लिया। तो देखो भाई ये कर्व एक्स एक्सिस से अबव एक्स इज इक्वल टू जीरो एक्स इज इक्वल टू वन, तो ये एरिया आ गया हमारे पास, इसका एरिया निकालना था, एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड दैट इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिमिट एक्स इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी जीरो से लेके वन है, तो जीरो टू वन। अब देखो अगर ये अबव एक्स एक्सिस की जगह सिर्फ एक्स एक्सिस लिख दे तो फिर ये नीचे वाला भी आना था, तो फिर ये नीचे वाला भी आना था अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस लिख देता। अब उसने अबव एक्स एक्सिस लिखा है, उसने लिखा है अबव एक्स एक्सिस मीन्स ऊपर ऊपर वाला लेना है, अगर अब एक्स एक्सिस आए तो ये नीचे भी नीचे वाला भी आता तो हमें टू से मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर का है तो टू से मल्टीप्लाई करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अब यहां से देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है रूट एक्स, क्योंकि y स्क्वायर x है तो y की वैल्यू रूट एक्स है। अब देखो यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेस्ट टू पावर 1 बाय 2 है तो 1 बाय 2 प्लस 1 यानी कि 3 बाय 2 और यहां पे भी 3 बाय 2 लिमिट 0 टू 1। अब देखो 3 बाय 2 तो कॉन्स्टेंट है, ये ऊपर जाके 2 बाय 3 होगा, इसको तो बाहर ही ले लिया, और x की पावर 3 बाय 2 यानी कि एक पावर पूरी और एक हाफ, तो ये x रूट एक्स है, x की पावर 3 बाय 2 को लिख सकते हैं वन पावर कंप्लीट और वन हाफ, हाफ के नाम पर रूट लगा दिया जीरो टू वन, तो ये टू बाय थ्री जब वन पुट करेंगे तो वन रूट वन वन ही रहेगा, वन ये रूट वन से वन मिलेगा, वन की वन के साथ मल्टीप्लाई वन, जीरो पुट करेंगे तो जीरो, ये आ गया हमारे पास टू बाय थ्री स्क्वायर यूनिट्स। इतना तो करने की जरूरत नहीं, आपको बहुत फास्ट करना है क्योंकि
ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए है। तो यहां पे हमारे पास आंसर आ रहा है 2/3, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बी। मान लो अगर वो अबव एक्स एक्सिस की जगह पे सिर्फ एक्स एक्सिस लिखता तो हमें ये डबल करना पड़ता ट्वाइस, क्योंकि जितना ऊपर है उतना नीचे ही है, तो फिर हमारा आंसर 4/3 इसका डबल हो जाता, तो हमारा आंसर 4/3 हो जाता। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। मेरे बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, वैसे तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3 से है, जो कि डिलीटेड सिलेबस है आपका, आपके सिलेबस से इस सेशन के लिए उसको हटा दिया गया है। फिर भी इसको देख लेते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हमारे पास एक्सरसाइज 5.7 और 9.2 एक्सरसाइज से भी रिलेटेड है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि समझ में ना आए, लेकिन एग्जैक्टली अगर बात करें तो ये डिलीटेड सिलेबस में से है। तो यहाँ पे कहा गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व वाई इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट भी कह सकते हैं इज, तो इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप डेरिवेटिव करो, सेकेंड डेरिवेटिव करो और फिर इसके अंदर एक एक के अंदर पुट करके चेक करो। दूसरा देखो, डेरिवेटिव करके देखते हैं, तो ये वाई हमारे पास दिया हुआ है, तो अगर हम डीवाई बाई डी एक्स निकालें इसका, तो देखो ए तो कॉन्स्टेंट ही है, साइन का हो जाएगा कोस एक्स प्लस बी, और इसके अंदर का करेंगे एक्स का 1 बी का 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक और बार डेरिवेटिव किया, डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाय डी एक्स स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहेगा, कोस का माइनस साइन हो जाएगा, तो ये माइनस आगे लगा दिया, माइनस साइन एक्स प्लस बी और अंदर का करेंगे फिर वही बना गया। अब यहां पे पहुंचे हम, या तो ये y की dy by dx, d square y by dx के जो भी आ रहे हैं जहां पे उसके अंदर पुट करेंगे। देखो एक बिल्कुल आसान सी बात है, ये हम वही तो है जो हम लेके चले थे, तो ये y तो है हमारा, तो d square y divide by dx square is equal to minus y लिख देंगे इसको, क्योंकि ये तो सारा y ही है, तो आगे माइनस लगा हो तो माइनस y, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा d square y divide by dx square plus y is equal to 0। ये आप देख लें कि इसमें डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस वाई है, हमारे पास प्लस वाई बन रहा है, यहां पे ए आ गया, यहां पे बन गया डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें हम, तो इसमें कहा है कि ई एंड एफ आर दी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्यारे बच्चों अगर ई इंडिपेंडेंट होती है, E और F इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि P E इंटरसेक्शन F किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी E मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी F के इक्वल होता है, ये बात होती है अगर इंडिपेंडेंट हो। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। फर्स्ट, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी E की प्रोबेबिलिटी और F की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई की है, ये तो बिल्कुल सही है, उसने कहा कि कौन सी ट्रू नहीं है। सेकेंड पार्ट में कहा है कि PE by F कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PE के बराबर है, तो इसको देखते हैं पहले सोल्व के, PE by F क्या बनेगा, PE इंटरसेक्शन F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी F की, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को हम ये लिख सकते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी E मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी F डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी F, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी किसके बराबर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई के, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। आगे देखो क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एफ। अब जब ये ई के इक्वल है तो ये एफ के इक्वल कैसे हो सकता है, इसका मतलब ये आगे मिल गया, आगे जब हमने इस चीज को जब हमने सोल्व ही कर लिया, यहां पे दोनों तो सेम ही है, तो जब हमने इसको सोल्व किया तो ये प्रोबेबिलिटी ई के इक्वल आ रही है, एफ के इक्वल नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रू नहीं है, तो सी इसका राइट ऑप्शन है। इसको भी चेक कर लेते हैं, देखो यहां पे इस पे फॉर्मूला लगा हुआ क्या बनेगा, ई बाय एफ का, तो ये बनेगा ई बाय एफ का, तो इसकी जगह पे फिर हम ये लिखेंगे, तो इसकी जगह पे जब हम ये लिखेंगे तो आप इसको चेक करो, या फिर इसके फॉर्मूला लगाओ पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इस पे फॉर्मूला लगा दिया और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, अब ये देखो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये इसके इक्वल आ गया, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, तो हमारे पास गलत कौन सा हो गया, जो सी ऑप्शन है वो हमारे पास गलत हो जाता है।
तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। तो थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे नोट ट्रू लिखा होगा, कभी आप पहला देखिए ऑप्शन इसी को टिक मार कर दे, ट्रू नहीं नोट ट्रू, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है किसी न किसी फॉर्म में। इसमें कहा गया है द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द वेक्टर ए 2i-j+λ के इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, वेक्टर बी है i-3j -5 के, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है कि ये वेक्टर परपेंडिकुलर है। अब देखो अगर ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, तो इसका और इसका डॉट करना है, तो यहां से देखो 2 और ये 1, 2 और 1 से तो 2 ही मिलेगा। नेक्स्ट यहां से -1 और ये -3, -1 की -3 के साथ करेंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे, यहां से लैम्डा और यहां से -5, तो -5 लैम्डा हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। यहां पे गड़बड़ कर दी हमने, 2 की और 1 की करेंगे तो 2 मिल जाएगा, यहां -1 की और -3 की करेंगे तो प्लस के 3 मिलेगा, तो प्लस के 3, और लैम्डा की और -5 की करेंगे तो यहां पे -5 लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 0, तो 5 - 5 लैम्डा दैट इज 0, तो यहां पे इधर आ जाएगा 5 लैम्डा, माइनस के 5 लैम्डा इज इक्वल टू -5, कैंसिल कर लो, लैम्डा 5 / 5 कितना आ जाएगा 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो बी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में कर दिया, देखो ए और बी थोड़े दूर दूर लिखे हुए थे लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई है कि हम डॉट प्रोडक्ट कर पाए, यहां से कंपोनेंट 2 यहां से 1, तो 2 और 1 की करेंगे तो 2, यहां से कंपोनेंट -1 यहां से -3, -1 और -3 की तो +3, और लैम्डा की और -5 की तो -5 लैम्डा, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर रखा और उसको सोल्व कर दिया लैम्डा की वैल्यू, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। मेरे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस, 45 डिग्री विद वाई एक्सिस, देन दिस लाइन विल मेक एंगल विद जेड एक्सिस, मीन्स जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाए, लाइन की बात हो रही है, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन कोसाइन को हम डिनोट करते हैं एल से, एम से और एन से। रिलेशन क्या होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अब एल क्या होता है, एल होता है कोसाइन ऑफ द एंगल विच लाइंस मेक्स विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनती है, तो एक्स एक्सिस के एंगल के साथ कितना एंगल बनाया 60 डिग्री, तो यहां एल की वैल्यू होगी कोस 60 मीन्स 1/2। एम क्या होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद वाई एक्सिस, तो ये है कोस 45 यानी कि 1/√2। और एन क्या होता है, कोसाइन ऑफ द एंगल विच द लाइन मेक्स विद जेड एक्सिस, फिलहाल उसको थीटा मान लेते हैं, जेड एक्सिस के हम साथ एंगल क्या मान लेते हैं थीटा, तो ये हमारे पास हो गया कोस थीटा। अब देखो ये कंडीशन होती है, इसमें ये वैल्यू पुट कर दो एल एम और एन की, तो एल स्क्वायर से भी मिल जाएगा 1/4, एम स्क्वायर से मिल जाएगा 1/2, एन स्क्वायर से मिल जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो एल की एम की और एन की स्क्वायर करके उसमें वैल्यू पुट कर दी, तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास 1 - 1/4 - 1/2, कोस स्क्वायर थीटा दैट इज 4, एलसीएम आ गया इसका 4 - 1 - 2, तो ये आ गया 1/4, तो कोस स्क्वायर थीटा आ गया 1/4, तो कोस थीटा आ गया +√1/4 यानी कि +-1/2। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, देखो पॉजिटिव वैल्यू ली हुई है तो हम पॉजिटिव ले लेते हैं क्योंकि आंसर में हमारे पास पॉजिटिव है, तो कोस थीटा की वैल्यू जो 1/2 ली, तो कोस थीटा 1/2 का होता है 60 डिग्री पे, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/3 या फिर 60 डिग्री, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं, तो 60 डिग्री लिखा हुआ तो हमारे पास 60 डिग्री, तो इसका सी ऑप्शन, कोस थीटा 1/2 कहां पे होता है 60 डिग्री पे होता है ना, तो थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री हमारे पास, तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास है एफ एक्स है एक्स स्क्वायर,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर है और जी एक्स की वैल्यू है साइन एक्स। एफ एक्स और जी एक्स हमें दिए हुए हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू माइनस वन टू वन। देन कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू पूछी है, ये ब्लैंक इनमें से कोई एक ब्लैंक यहाँ पे फिल करना है, तो लगभग लगभग ऑप्शनल टाइप का ही है, इनमें से कोई फिल करना है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर हम लिखे एफ ऑफ जी एक्स तो इसको हम लिख सकते हैं एफ और यहाँ पे जी एक्स। अब आप जी एक्स की वैल्यू पुट कर दे, एफ तो एज इट इज है, जी एक्स की वैल्यू, जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास साइन एक्स। अब आप देखो एफ ऑफ साइन एक्स निकालना है, अब देखो एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है, मान लो एफ ऑफ टू निकालना हो आपको, तो एफ ऑफ टू अगर आपको निकालना है तो एक्स की जगह पे टू रखेंगे, ये टू का स्क्वायर यानी कि फोर हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ साइन एक्स, यानी कि एफ में एक्स की जगह पे क्या रख देंगे, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर। अब यहां पे एक चीज बात करने ध्यान रखने वाली है कि एक तो होता है साइन एक्स स्क्वायर, ये सिर्फ एंगल का स्क्वायर होता है, और एक होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन एक्स पूरे का स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन है, तो साइन एक्स का स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। अभी देखो साइन एक्स स्क्वायर है यानी कि एंगल का स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर एक्स यानी कि पूरे का स्क्वायर, तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो ब्लैंक्स के अंदर हम इसमें ये भर देंगे कि ये हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास कहा गया है कि कॉस ऑफ टू साइन इनवर्स माइनस वन बाय टू। अब देखो इसमें पहले इसकी बात करते हैं, कॉस को ऐसे ही रहने देते हैं, टू साइन इनवर्स है और 90 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन इनवर्स वन बाय टू, साइन इनवर्स वन बाय टू यानी कि 30 डिग्री, 30 मीन्स पाई डिवाइड बाई सिक्स, ये 30 लिख ले कोई दिक्कत नहीं है, 30 लिख ले या पाई बाई सिक्स लिख ले, तो पाई बाई सिक्स था और विद माइनस साइन था, तो यहां पे ऐसे लिख सकते हैं टू इन टू, इससे हमें क्या मिला माइनस पाई बाय सिक्स, ऐसे कर लिया हमने इसका। साइन इनवर्स वन माइनस वन बाय टू है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स वन बाय टू मीन्स 30 डिग्री, तो माइनस 30 हो गया, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 हो गया, तो कोस माइनस पाई बाय थ्री। हमें पता है कि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो कोस माइनस पाई बाय थ्री कोस पाई बाय थ्री के इक्वल है, इनवर्स नहीं है बाहर, बाहर सिंपल है, तो ये कोस पाई बाय थ्री के बराबर ही है, कोस 60 के बराबर ही है, और कोस 60 अब आप देख ले कितना होता है, कोस 60, कोस 60 हो जाएगा हमारे पास 1/2, तो 1/2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, तो आप यहाँ पे ब्लैंक में लिख देंगे कि ये 1/2 आ गया। तो यहां तक प्यारे बच्चों हमारे पास फर्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, अगला जो पार्ट होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके आगे 40 तक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी जो क्वेश्चंस को सोल्व करने की कैपेसिटी है बढ़ती चली जाएगी, आपकी जो मिस्टेक के चांस है वो कम होते चले जाएंगे, और जो आपके टाइम की मैनेजमेंट है, क्योंकि आपको एक घंटे में 40 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो वो भी आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूव होती चलेगी। थैंक यू वेरी मच।